सो ये है लेटेस्ट मैट्रिक्स ओएस का 10.3 अपडेट जो कि ऑफिशियली मी 11X एंड पोको F3 के अंदर तो आ चुका है एंड जो भी ऑफिशियल डिवाइसेस हैं उनमें ये अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इस रोम के अंदर आपको कैसी ऑप्टिमाइजेशन, कैसी स्मूथनेस, बैटरी बैकअप, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड और रैम मैनेजमेंट वगैरह हुआ, इसके साथ गेमिंग कैसी मिलती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो। यह है टिपिकल इसका अबाउट फोन पेज जिसमें मैट्रिक्स डिवाइस लिखा है। यहाँ पे आपको जो है कुछ ऐसी इमेज मिल जाती है, ये ऑफिशियली सपोर्टेड है, बाकी चिपसेट वगैरह की आपको यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन दी है। मैट्रिक्स का लोगो मिलेगा, एंड्रॉयड वर्जन 14 के साथ आता है, 10.3 वर्जन आपको मिलता है मैट्रिक्स की ओर से एंड फेब का सिक्योरिटी पैच लेवल मर्ज हो चुका है एंड इसके साथ यहाँ पे नो कर्नल आपको मिलेगा एंड इस कर्नल के अंदर आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है कर्नल SU का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो आपको जस्ट कर्नल SU को इंस्टॉल करना है, देन आप जो है कोई भी ऐप को रूट की परमिशन यहां से ग्रांट कर सकते हैं। स्टॉक कैमरा की बात करेंगे तो यहां पे सबसे पहले जो स्टॉक कैमरा यूज किया गया ये कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है, जिसमें ज्यादा फोर्स फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। वैसे यहां पे एक और कैमरा है जो कि हमारा स्टॉक कैमरा रहता है, तो वो मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे आपको जो है हाइपर ओएस का जो है लेटेस्ट लाइका के साथ जो है 5.2 वर्जन देखने को मिलेगा, इसमें सारे के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। वीडियो में जाओगे तो आपको मैक्सिमम वीडियोस यहां पे 1080p आई थिंक जो है 30 FPS तक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसमें 60 आपका वर्क नहीं करेगा एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हुआ, प्रो मोड, ये सब कुछ आपको मिलेगा। उसके साथ आप GCam भी यूज कर सकते हो। रोम के ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले स्मूथनेस की बात कर लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको क्विक सेटिंग पैनल के अंदर स्मूथनेस मिलती है। रोम काफी स्टेबल है एंड जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड है भाई फास्ट और काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव आपको मिल जाती है, और ये चीज आप यहां पर भी नोटिस कर सकते हो, काफी अच्छी स्पीड आपको मिलती है। इवन कैमरा वगैरह भी अगर आप ओपन करते हो ना, यहाँ पे कोई मेजर इश्यूज आपको नहीं आने वाले और रैम मैनेजमेंट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा भाई। ऑलमोस्ट यहाँ पे सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है और रीसेंट्स मेन्यू में आपको कुछ इस तरीके से रीसेंट्स मिल जाएंगे। बाकी इसका जो स्टॉक लॉन्चर आपको मिलता है ना, वो आई थिंक मैट्रिक्स का ही आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको मैं अगर कस्टमाइजेशन दिखाऊँ तो ये आईकॉन्स की है, ये होम स्क्रीन की आपको मिल जाती है। तो लॉन्चर 3 बेस्ड है, इसमें सारे के सारे फीचर्स आपको सेम देखने को मिल जाएंगे जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। मिसलेनियस में टास्क बार भी आप इनेबल कर सकते हो, हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स वगैरह का भी सेक्शन है और लेफ्ट साइड में गूगल कार्ड्स की भी जो है आपको ऑप्टिमाइजेशन में चेक करवा देता हूं। तो अगर आप स्क्रोलिंग वगैरह करते हो तो यहां पे ना माइनर से आपको स्टटरिंग फील हो सकती है, बट ओवरऑल एक बार लोड होने के बाद आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि स्मूथ है। अब रोम के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आपको एक ऑक्सियो नेम से ये वाला म्यूजिक प्लेयर आई थिंक देखने को मिल जाता है, जिसको आप यूज कर सकते हो म्यूजिक के लिए एंड दूसरा एक आपको जो है शॉर्टकट मिल जाएगा गेम स्पेस का, जिसके अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप जैसे कोई गेम को ऐड करोगे, मैं आपको दिखा देता हूं तो क्या फीचर्स आपको मिलेंगे। यहां पे अगर आप सेटिंग के ऊपर जाओगे तो प्रेफर्ड मोड मिल जाएगा, बाकी एक नीचे एक और फीचर मिलता है जो कि एक्सपेरिमेंटल है, इसको अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। एक और चेंज आपको मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप बैटरी के अंदर जाते हो तो सबसे पहले ऐसा कुछ सेक्शन है और थर्मल प्रोफाइल्स के अंदर जाओगे तो यहां पे आपको सारे थर्मल प्रोफाइल्स इनेबल करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे यहां पे गेमिंग पे टैप करोगे और यहां पे अगर आप आओगे ना तो टच कंट्रोल्स के अंदर ये चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो एंड बैटरी कंजप्शन रोम का भाई काफी अच्छा है, ऐसे कोई मेजर बैटरी ड्रेन मेरे को देखने के लिए नहीं मिला। नेटवर्क की बात करें तो 5G वर्किंग है, बट आपको यहां पर अपना जो है रीजनल फर्मवेयर फ्लैश करना होगा। जियो 5G के ऊपर मेरा वर्किंग है, आपको प्री इंस्टॉल्ड यहां पर जो है प्राइवेट DNS का ऑप्शन देखने को मिलता है, ऐप में क्लोन्ड ऐप आई थिंक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको डायरेक्ट का ऑप्शन नहीं मिलता, बट डॉल्बी एटमॉस मिलता है जिसमें प्रोफाइल का ऑप्शन रहेगा। इक्वलाइजर प्रीसेट्स आपको मिल जाएंगे, डायलॉग इन्हेंसर आपको मिलेगा, सराउंड विजुअलाइजर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है क्लियर स्पीकर वगैरह वाले भी फीचर्स हैं और हैप्टिक्स आप कस्टमाइज कर सकते हो, और जो हैप्टिक्स का एक्सपीरियंस है वो अच्छा है भाई, ये ऑक्सीजन ओएस से यहाँ पे पैटर्न इम्पोर्टेड है, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। कलर्स के अंदर ये सारे प्रोफाइल्स हैं और यहाँ पे आपको टैप टू वेक स्लीप और ये सारे फीचर्स और देखने को मिल जाएंगे। देन वॉलपेपर एंड स्टाइल की बात करें तो सबसे पहले लॉक स्क्रीन की जो क्लॉक्स है जो कि AOSP वाली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी आपको मिल जाती है, तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये आई थिंक ना आपके डिफॉल्ट के ऊपर वर्क करेंगे, जब आप डिफॉल्ट इसको यूज़ करोगे, अभी मैं iOS वाला यूज़ कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा, और आप यहाँ से डायरेक्टली वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, ये कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। होम स्क्रीन में थीम्ड आइकॉन है, अपग्रेड्स आपको मिल जाएंगे अप टू 6×10 तक यहाँ पे आइकॉन्स हैं, फॉन्ट्स हैं, शेप्स आप चेंज कर सकते हो। सिक्योरिटी
में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। सिस्टम के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे जेस्चर्स हैं, और नेविगेशन के अंदर आपको 2 बटन 3 बटन मिलेगा, पिल की लेंथ, रेडियस और बाकी ये आई मी स्पेस वगैरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये कस्टमाइजेशन के परस्पेक्टिव से चीज़ें हैं जो कि अच्छी खासी है भाई। अब बात करते हैं यहाँ पर रोम के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर। सबसे पहले तो भाई डिवाइस आपका रोम में सर्टिफाइड है, बैंकिंग एप्स फ्लॉलेसली वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी, वाइड बैंड L1 आपको मिल जाएगा। उसी के साथ गूगल फोटोज ऐप अगर यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड फोटो एंड वीडियोस का ऑप्शन मिल जाएगा, और ये वाइल्ड लाइफ टेस्ट के स्कोर्स हैं। बाकी सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ के अंदर आपको 7% तक सीपीयू थ्रॉटल देखने को मिलेगा, और ये आपको यहाँ पर जो है गीगबेंच 6 के स्कोर्स मिल जाएंगे। बाकी एंटूटू बेंचमार्क के स्कोर्स आप देख सकते हो 10.1 वर्जन के साथ में, और यहाँ पर मैंने थर्मल प्रोफाइल्स को इनेबल कर रखा था सभी ऐप्स के लिए, इवन अभी जो गेमिंग का टेस्ट बताऊंगा उसमें भी इनेबल्ड है। तो 90 FPS में मैंने BGMI प्ले किया, बट जो यहाँ पर रिस्पॉन्स है वो उतना अच्छा आपको नहीं मिलता। ये जो रोम है मैं मेनली आपको जो बताऊँ तो ये टारगेट करती है भाई बैलेंस्ड यूज़र के लिए, और जिनको नॉर्मल UI के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, और यहाँ पर अगर आपको जो है बैटरी कंजप्शन भी अच्छा खासा चाहिए तो ये रोम आपको यहाँ पर जो है अच्छी परफॉर्मेंस और बैटरी दोनों चीज़ें प्रोवाइड करेगी। बट गेमिंग के अंदर आपको फ्रेम ड्रॉप्स मिलेंगे, हीटिंग इशूज़ तो मैं नहीं बोल सकता 90 FPS में, बट स्टिल फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे थे तो एक्सपीरियंस मेरा उतना अच्छा या फिर स्मूथ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आप नॉर्मली इस रोम को यूज़ कर सकते हो, कोई मेजर इश्यूज आपको नहीं मिलते।